हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं प्रिंटिंग। प्रिंटिंग की हम बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम बता चुके हैं DTF क्या होता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है और इसमें क्या कॉस्ट आती है। उसके बाद हमने बताया था स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या कॉस्ट आती है, कौन कौन सी इंक यूज होती है, उसका पूरा प्रोसेस। उसके बाद हमने बताया था विनाइल। विनाइल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, विनाइल को मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें रेडीमेड होता है, यानी कि आप 10 स्टिकर भी बनाते हैं तो 10 बन जाएंगे और जो इजीली किसी भी कपड़े पर लग जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा ये सब्लिमेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी तक हम आप देखेंगे 4-5 तरीके की हम प्रिंटिंग बता चुके हैं। सब्लिमेशन का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो भी भाई सब्लिमेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सवाल जवाब है, आप मेरे से मालूम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे, आप मेरे से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको सब्लिमेशन के लिए सबसे पहले सिस्टम तो आपको नीड है ही, उसके साथ साथ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, जिसमें आपको फोटोशॉप में अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको फोटोशॉप अच्छे से आता है तो उसके बाद आप ये प्रिंटर जो है एप्सन का 805 ले सकते हैं, ठीक है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका जो प्रिंट क्वालिटी है बिल्कुल बढ़िया रहती है, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसमें और हल्का प्रिंटर भी आता है जो आपको 10-12 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है, पर उसकी प्रिंट की क्वालिटी थोड़ी सी डल हो जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद आपके पास आता है पेपर, इस पेपर पे ये प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो इस पेपर की कॉस्ट जो आती है वो नॉर्मली 3 के बीच आती है। प्रिंट करने के बाद इसकी जो कॉस्ट आ जाती है वो 4 रुपये तक आ जाती है। तो यानी कि आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली 4 रुपये में ऐसा डिजाइन आप बना सकते हैं, ठीक है। 4 रुपये में इस प्रिंट आपका प्रिंटर पर इस पेज 4 रुपये में इस पेज पे आपका प्रिंट आ जाएगा, उसको आप इस पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है जो भी भाई सेटअप करना चाहता है, कुछ इसके फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे इसके नुकसान भी हैं। लास्ट में मैं आपको पूरे नुकसान के बारे में बताऊंगा क्योंकि आपको दूसरी तरफ भी देखना होता है। क्योंकि आप लोग कहते हैं यूट्यूब में कि आप 10 हज़ार रुपये लगाएं, 20 हज़ार रुपये लगाएं, प्रिंटिंग में लाखों कमाएं, ऐसा कुछ नहीं है। सेटअप बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना ज्यादा ऑर्डर इसका नहीं मिलता। उसके पीछे का रीजन यही है कि ये कॉटन वगैरह के कपड़े पे नहीं होता। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज यही है, ये सभी कपड़े पे नहीं होता। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि कौन से कपड़े पे होता है और कैसे आप इसको प्रोसेस यूज कर सकते हैं। आपने प्रिंट लेने के बाद इस मशीन से, हीट प्रेस मशीन है, इसमें यहाँ रखने के बाद इसको प्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। हीट प्रेस मशीन भी बहुत अलग अलग क्वालिटी की आती है, बहुत सारे डिजाइन इसमें होते हैं और कुछ मल्टी आती है, यानी कि 4-5 चीजें मग वगैरह भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की प्रिंट मशीन आप मार्केट से लेना चाहेंगे तो वो आपको 14 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। ये 14 हज़ार रुपये में मिल जाएगी और 10 हज़ार रुपये से लेके 20 हज़ार तक के बीच में ये प्रिंटर आपको, सॉरी 10 हज़ार रुपये, 14 हज़ार रुपये में ये मिल जाएगा। और ये प्रिंटर L805 मैंने जो लिया था वो 24 हज़ार के आसपास का लिया था। तो ये ठीक है, बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की और किन किन कपड़ों पे ये हो जाता है, किन किन कपड़ों पे नहीं होता। तो सबसे पहली बड़ी बात तो यही है, जो 90% यूज होता है वो कपड़ा जो है कॉटन होता है और कॉटन पे ही ये प्रिंट नहीं होता, ठीक है। उसके लिए इन लोगों ने क्या किया, उसका तोड़ निकालने की कोशिश की, लेकिन वो तोड़ ये है कि सब्लिमेशन विनाइल कहलाता है। ये सब्लिमेशन विनाइल कहलाता है। इस व्हाइट पेज पे जो आप व्हाइट देख रहे हैं, इस टाइप दूसरा ये देख रहे हैं कलर येलो कलर, तो व्हाइट कलर पे क्या करते हैं हम सब्लिमेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसी को सब्लिमेशन कर लेते हैं और पीछे से टेप हटा के इसको कपड़े को कॉटन कपड़े पे चिपका दिया जाता है। लेकिन ये कपड़े की क्वालिटी इतनी बेकार है, ऐसा लगता है कि ऊपर से किसी ने साफ साफ चिपकाया हुआ है। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि आप कॉटन कपड़े पे नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है जो डार्क फैब्रिक होते हैं, डार्क फैब्रिक में बहुत सारे कलर आ जाते हैं जो काले से रिलेटेड होते हैं, उन कपड़े उन कलर पे भी आप इसको नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 90% जो है इसको यूज ही नहीं कर सकते। सिर्फ आप जो कपड़ा है वो स्पोर्ट्स वाला कपड़ा है, जिसको ड्राई फिट कहते हैं, निर्मल कहते हैं और पॉलिस्टर कहते हैं, इन कपड़ों पे ही ये सब्लिमेशन होता है। तो इस यही वजह है कि सब्लिमेशन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेरी नज़रों में जो है वो विनाइल है, क्योंकि उससे 10 स्टिकर भी बन जाते हैं, 20 स्टिकर भी बन जाते हैं। आप चाहते हैं मोटा पफ वाला तो उसको HD क्वालिटी का बोलते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है लेकिन वो भी पॉसिबल है। तो विनाइल सबसे बेस्ट तरीका है। बहरहाल इसमें आप जो है देख सकते हैं ये पूरा सेटअप आपके पास है। तो आप जो भी भाई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है सबसे पहले इसी बात पे ध्यान रखें किन किन कपड़ों पे होगा। तो मेरी नज़रों में 90% ये आउट ऑफ रेंज है, यानी कि आउट ऑफ कपड़ा ही इसमें यूज नहीं होगा, कॉटन यूज नहीं होगा और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो इसमें यूज ही नहीं होंगे। तो सिर्फ 90% 10% कपड़ों पर ही ऐसा होता है, सब्लिमेशन होता है। तो सब्लिमेशन एक लिमिटेड है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसके साथ साथ हमें दूसरी चीज़ें भी यूज़ करनी पड़ती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे रबड़ प्रिंटिंग, ठीक है। वो भी स्क्रीन से हम रबड़ प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें मैं वीडियो कल आपको दूंगा।
अगर आपको कोई सवाल है इससे रिलेटेड, रबड़ प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो भी भाई इससे रिलेटेड यानी कि गारमेंट, कोई भी भाई गारमेंट से रिलेटेड कपड़े की नॉलेज चाहता है और या सिलाई से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है, प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ साथ। थैंक यू सो मच।